करनाल प्रशासन जल बचाओ अभियान को चलाने की बात कर रहा है। नगर निगम और कई सामाजिक संस्थाएं जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाने की बात कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन करनाल के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर व्यर्थ पानी बह रहा है, लेकिन इसकी खबर ना तो संबंधित विभाग को है और ना ही प्रशासन को। एक तरफ जहां करनाल को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है और प्रति वर्ष करनाल में कई फीट पानी का जलस्तर कम होता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जल बचाने को लेकर ना तो प्रशासन गंभीर है और ना ही जनता। एक तरफ जहां गाड़ियों को धोने और साफ सफाई के नाम पर लाखों लीटर पानी प्रतिदिन व्यर्थ बहाया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर पानी की लीकेज होने के कारण पानी व्यर्थ बह रहा है और इसकी भनक प्रशासन को नहीं है। ऐसा ही एक मामला करनाल के सामान्य अस्पताल के नजदीक देखने को मिला, जहां से प्रतिदिन प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों का आना जाना रहता है, लेकिन वहां बहता व्यर्थ पानी किसी को नजर नहीं आता। समाचार एक्सप्रेस के द्वारा मौके का मुआयना करने के बाद पता चला कि सामान्य अस्पताल के सामने जहां कई दवा की दुकानें और निजी अस्पताल भी हैं, वहां पर एक स्थान पर पानी की लीकेज पाई गई। यह लीकेज एक दिन से नहीं पिछले कई दिनों से बदस्तूर जारी है, लेकिन बावजूद इसके ना तो जिम्मेदार नागरिक और ना ही प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जो लोग जल बचाओ अभियान की मुहिम को चलाकर अपने आप को एक समाज सेवी होने और देश प्रेमी होने का दावा कर रहे हैं, क्या उनकी नजर इन स्थानों पर नहीं पड़ती? क्या केवल यह काम अब मीडिया का ही रह गया है क्या कि मीडिया देखेगा तभी प्रशासन और अधिकारी जागरूक होंगे? अगर आईना दिखाना मीडिया का ही काम रह गया तो पूरा प्रशासन और अधिकारियों की आंखें मूंद के क्यों बैठे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जिसके मकान या दुकान के आगे पानी व्यर्थ बह रहा है, वह जल बचाने को लेकर अपना फर्ज क्यों नहीं निभाता? वह क्यों नहीं प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को इस लीकेज की जानकारी दे रहा? इससे जाहिर होता है कि ना तो आम नागरिक और ना ही अधिकारियों को जल बचाने को लेकर कोई चिंता है। कारण चाहे जो भी रहे, यदि इस तरह से जल बर्बाद होता रहा तो दिन दूर नहीं है कि जब आने वाली पीढ़ी को दो दो बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। यदि जल को बचाना है तो अधिकारियों के साथ साथ आम नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, तभी जल है तो कल है यह वाक्य सटीक साबित होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।